अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए लाल रंग के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस। पर्यटन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ सौंदर्य से भरपूर है। यहाँ प्राचीन गुफाएं, ऐतिहासिक दुर्ग, समाधि व मकबरे, धार्मिक तीर्थस्थल, प्राकृतिक रमणीक स्थल तथा राष्ट्रीय उद्यान हैं। और इसी राज्य में स्थित है डोंगरगढ़, जो हावड़ा मुंबई रेलवे मार्ग पर स्थित राजनांदगांव से 59 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहाड़ी के ऊपर माँ बामलेश्वरी का विशाल मंदिर है। नवरात्रि में यहाँ यह मंदिर जिला मुख्यालय से 36 किलोमीटर दूर है। यहाँ एक पहाड़ी के अंतिम शिखर पर माँ बामलेश्वरी का मंदिर है। डोंगरगढ़ नगर का वास्तविक एवं प्रामाणिक इतिहास अभी भी अतीत के गर्भ में छुपा हुआ है, परंतु उपलब्ध जानकारी के आधार पर डोंगरगढ़ ही अत्यंत समृद्धशाली ऐतिहासिक नगरी कामावती पुरी था। यहाँ समीप के नष्ट तालाबों पर पुरानी नींवों के अवशेष आज भी मिलते हैं। कहा जाता है कि आज से लगभग 2200 वर्ष पूर्व यहाँ राजा वीरसिंह का राज करते थे, जो उज्जैन के विक्रमादित्य के समकालीन थे। संतानहीन राजा को देवी कृपा से संतान प्राप्त होने के उपलक्ष्य में उसने बामलेश्वरी में मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है। मदन सोन के पुत्र का नाम कामसेन था और उसके नाम पर ही इस स्थान का नाम कामावती पुरी प्रसिद्ध हुआ। यहाँ का रोपवे एक अतिरिक्त आकर्षण का केंद्र है और छत्तीसगढ़ में एकमात्र यात्री रोपवे है। प्रतिवर्ष चैत्र नवरात्रि एवं क्वार नवरात्रि के अवसर पर यहाँ 9 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। यह शहर धार्मिक सद्भाव के लिए भी जाना जाता है और हिंदुओं के अलावा बौद्धों, सिखों, ईसाइयों और जैनों के लिए भी यह काफ़ी प्रसिद्ध है। और यहाँ बहुत ज़्यादा आबादी में विभिन्न धर्म के लोग निवास करते हैं। दोस्तों, डोंगरगढ़ आने के लिए आप विभिन्न प्रकार की सुपरफास्ट एक्सप्रेस एवं लोकल रेलगाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हर घंटे मिलती रहती हैं। सड़क मार्ग से जाने के लिए आप राष्ट्रीय राजमार्ग 6 का उपयोग कर सकते हैं। निकटतम हवाई अड्डा स्वामी विवेकानंद।